हे गाइस बैक टू द चैनल। सो यहाँ पे देख सकते हैं चेन, हम इस वीडियो में चेन एडजस्टमेंट का वीडियो बनाने वाले हैं। किस तरह से आप बाइक में चेन एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी बाइक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चेन दिखा देता हूँ। चेन बहुत ही ड्राई है और सेकंड जो चीज़ें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्ले है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्ले है। सो इसमें क्या हो सकता है, चेन पॉकेट खराब होने का चांस हो सकता है। चेन को प्रॉपर अलाइनमेंट करना जरूरी होता है। सो इतना ज़्यादा प्ले नहीं होता है। हमको जो एक्सेल का नट है मैं आपको प्रॉपर देखकर दिखा देता हूँ। दिस इज द बॉक्सर बाइक। यहाँ पे जो स्पैनर हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके 17mm का स्पैनर। सो हमको पहले ये जो मेन नट होता है इसको लूज करना पड़ेगा, पूरी तरह से ओपन नहीं करना है, जस्ट आपको लूज करना है। मैं लूज कर रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं इसको हम लूज करेंगे, इसको निकाल लेते हैं पहले। सो हम यूज़ कर रहे हैं एडजस्टेबल जो रेंज होता है, और इसको भी अगेन पूरी तरह से खोलना नहीं है, जस्ट लूज करना है। सो इसको लूज कर रहे हैं। लूज होने के बाद क्या करना है, ये जो आपका लॉक नट दिख रहा है इसको आपको लूज करना पड़ेगा, और ये बेसिकली 10mm का रहता है। और लॉक नट दिख रही है, इसको हमने थोड़ा सा लूज़ कर लिया है, और सेम उसी तरह यहाँ पे जो लॉक नट होता है इस साइड जो अपना लॉक नट होता है ये वाला, वो भी लूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, थोड़ा सा हमने लूज़ कर दिया। अब इस साइड चलते हैं। अब मैं आपको चेन चेन दिखा रहा हूँ किस तरह से एडजस्ट करना है। सो दिस इज़ द इसमें इसको मैंने लूज़ क्यों किया है, जो व्हील है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, इसको पहले हम न्यूट्रल करते हैं। दिस इज़ द गियर में हमने थोड़ा सा लूज़ किया था, अब इसको टाइट करना है, इसको होल्ड करना है, मतलब ये जो व्हील है फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे चेन जो है एडजस्ट होता है। सो ये जो लॉक नट है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लॉक नट है इसको हम टाइट करेंगे, और ये चेन जो है चेन की तरफ देखते रहे, वो ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक है, अब हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इसको हम प्ले चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा उठाएंगे। चेन जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा ये जो लॉक नट है इसको एडजस्टिंग नट बोलते हैं, थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अब हमने थोड़ा सा लूज़ कर दे, इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ठीक है। अब फिर से हम एक बार चेक करेंगे। अब ये जो प्ले है बिल्कुल सही प्ले है। सो हमने इसको हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद उस साइड भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आपका व्हील जो है बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, अभी जाम चल रहा है। सो उस साइड चलते हैं, और यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लॉक नट है इसको हम थोड़ा सा मेजर करेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे खाली है, देख सकते हैं इतना इतना हिस्सा यहाँ पे एडजस्ट किया, तो सेम हिस्सा उधर भी करना है। अब ये जो हिस्सा है इसको हम भी टाइट करना पड़ेगा, उस मतलब सेम मेजरमेंट में आपको टाइट करना पड़ेगा। सो हम टाइट कर देते हैं। सेम मेजरमेंट हमने टाइट कर दिया है। अब इसको हम एक बार व्हील फ्री है कि नहीं है उसको हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं व्हील बिल्कुल फ्री है। अब इस तरीके से हमने चेन को एडजस्ट कर दिया है। अब इसमें सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी इसको टाइट करेंगे तब आपका चेन जो है टाइट हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है, मैं आपको पहले बताया था। पहले आप शेयर कर लीजिए आपका चेन जो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, अब व्हील जो बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। अगर उस साइड आप ज़्यादा टर्न कर देते तो व्हील जो है आपका बियरिंग घिसने के चांसेस ज़्यादा है। सो आप एक बार देख लीजिए। सो हमने इस तरीके से चेन को टाइट कर दिया है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए बंदे जो है वो वीडियो को शेयर करिए। चेन देख लेते हैं, ये वाला चेन देखिए प्ले बिल्कुल है, थोड़ा सा प्ले है, ठीक है। अब ये जो लॉक नट आता है ये वाला, इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है, देख सकते हैं ये जो चेन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेन को आपको पकड़ के रखना है। सो इस साइड से हम दिखा रहे हैं जो चेन है इसको पकड़ के रखना है। अब ये जो नट है जो मेन नट आता है ये वाला,
इसको हम टाइट करना है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत टाइट कर लीजिए, ठीक है, हमने मतलब थोड़ा सा टाइट कर लिया है। अब ये चेन जो आपको छोड़ सकते हैं, अब फिर से एक बार चेक करना है कि व्हील फ्री है कि नहीं है, देख सकते हैं व्हील बिल्कुल फ्री है। और अगर मैं आपको चेन दिखाऊं, तो चेन जो है बिल्कुल ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। और इसमें प्ले एक बार लास्ट चेक करेंगे, प्ले जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर प्ले है, एक इंच की मतलब प्ले आपको रखना चाहिए। अब इसको हम एक्सल को जो फुल टाइट कर देंगे। सो हमने प्रॉपर तरीके से चेन को टाइट कर दिया, ये जो नट है इसको हमें टाइट कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लॉक नट आता है हमने पहले से ही टाइट करके रखा था, सो हमने अगेन हमने चेक कर लिया है। और एक बार प्ले देख लीजिए, ठीक है, व्हील जो है बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए और इस कंडीशन में बिल्कुल फ्री घूम रहा है। यही था वीडियो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आप ऑल कर दीजिए। और अपने पिछले वीडियो में अपने गिव अवे नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, आरपीएम मीटर का गिव अवे है। सो कल मैं अनाउंस करने वाला हूँ जो आपका रिजल्ट है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में भी आप जो रिजल्ट है वो हम अनाउंस करने वाले हैं। आज पार्टिसिपेट कर लीजिए इस वीडियो को देख के। सो वीडियो का उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो कि चेन कैसे एडजस्ट करते हैं और ये चेन जो ड्राई चल रहा है इसको हम बाद में लुब्रिकेशन कर दें, कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। सो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।